हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम सभी लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हम सभी लोग इंस्टाग्राम को बहुत ही यूज़ करते हैं और अपने जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, कोई भी रील होती है, वो हम लोग अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। जैसे कोई भी कहीं घूमने जाता है, बाहर जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालता है, फिर बाद में व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं पे। लेकिन क्या हमारी फ़ोटोज़, हमारे वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे सेफ़ है कि नहीं है, वो हमें नहीं पता। क्योंकि जब हमारा फ़ोन, मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाएगा, तो आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ है वो तो लीक हो जाएगी, वो सेफ़ नहीं रहेगी। तो आप अपने फ़ोटोज़ को, अपने इंस्टाग्राम को कैसे आप सेफ़ कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जिससे अगर कोई आपका इंस्टाग्राम लॉगिन करने की कोशिश करे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक मैसेज मिल जाएगा, जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, उसी बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक सेटिंग है, वो मैं आपको ऑन कराने वाला हूँ, जिसको ऑन करने के बाद आपका इंस्टाग्राम सेफ रहेगा। तो क्या है वो सेटिंग, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो मैं सेटिंग की बात कर रहा था, वो है टू स्टेप वेरिफिकेशन या फिर टू फैक्टर वाला। तो जो जनरली सब में होता है, व्हाट्सएप पे होता है, जीमेल पे होता है, जिसको हम लोग ऑन करेंगे तो हमारे जो व्हाट्सएप या फिर जीमेल जो भी ऐप होता है वो सिक्योर रहता है। तो आप इंस्टाग्राम को भी आप कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को सेव करने के लिए, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे जाना है, थ्री लाइन पे, और सेटिंग एंड प्राइवेसी पे चले जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं 2023 में, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे बहुत से सेटिंग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, अंदर बाहर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे अकाउंट सेंटर में आपको चले जाना है। अकाउंट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में आपको पर्सनल डिटेल, ठीक नीचे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली पासवर्ड वाले पे चले जाना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड के ठीक नीचे आपको टू फैक्टर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये वाले पे टैप कर देना है। यहाँ टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स हो जाएंगे, जो अगर आपने फेसबुक से अपने इंस्टाग्राम को मर्ज किया होगा, ऐड किया हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा, नहीं तो आपको एक सिंगल अकाउंट दिखेगा। तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टू स्टेप वेरीफिकेशन वाले पे, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम वाले अकाउंट को मैंने टैप कर दिया। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, जहाँ पे तीन ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट, चूज़ योर सिक्योरिटी मेथड। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन ऐप, फिर यहाँ पे रिकमेंडेड वाला, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेज, और तीसरा है व्हाट्सअप। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप है, यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा है वी विल रिकमेंडेड एन ऐप टू डाउनलोड इफ़ यू डोंट हैव वन, ऑन इट विल जनरेट अ कोड यू विल एंटर यू व्हेन यू लॉग इन। फिर यहाँ पे इसका मतलब कि अगर ये आप ऐप डाउनलोड करें तो यहाँ जो भी लॉगिन करना चाहते हैं उस पर आपको कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप वाला है। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट मैसेज सिंपल मैसेज के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट मैसेज वाले पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट मैसेज वाले पे क्लिक करेंगे तो जब भी कोई आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो आपके पे सिंपल मैसेज आएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ कोई आपका अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एंटर कंफर्मेशन कोड यहाँ पे आएगा, एंटर द 6-digit code वी विल सेंड यू। तो यहाँ पे मैसेज में आ गया मेरा एंटर, तो यहाँ पे आपको कोड एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे कोड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड एंटर कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में चेंज फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। नहीं करना तो यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट या फिर गेट कोड ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सबसे नीचे में गेट योर लॉगिन कोड फ्रॉम व्हाट्सएप टू फास्टर एंड मोर रिजिलेबल डिलीवरी। यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं और गेट कोड्स ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड योर ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वी विल सेंड यू कन्फर्मेशन कोड नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऐड ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो तो नेक्स्ट भी, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने का मतलब कि आप ही बस देख सकते हैं ईमेल एड्रेस वो जो है। तो अब यहाँ पे आपका जो एक और कोड आएगा इंटर 6 डिजिट कोड, तो यहाँ पे एक कोड आएगा, तो वो आपको फिर से फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपने जो जीमेल आईडी डाली होगी उस पर एक कोड आया होगा, तो आपको फिर से वो कोड को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना कोड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया। कोड डालने के बाद जो आपने जीमेल आईडी है उसी पे कोड आएगा, वो डालने के बाद यहाँ पे आपको डन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डन कर देंगे, फिर डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल कंफर्म्ड हो गया है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है। तो जब भी आपका जो आईडी है इंस्टाग्राम आईडी, वो लॉगिन करने की कोई भी कोशिश करेगा, तो आपके टेक्स्ट मैसेज पे या फिर जीमेल पे कोई एक कोड आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कोई मेरा अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उससे अलर्ट होकर अपना जो पासवर्ड इंस्टाग्राम का वो चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंस्टाग्राम है वो सेफ़ रहेगा। तो यही था वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।